दोस्तों, दवाइयों की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम दवाइयों की जानकारी केवल इसलिए देते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इनका उपयोग कर सकें, अन्यथा बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन ना करें। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं मोंटेलुकास्ट के बारे में। यह एक एंटी एलर्जिक ड्रग है और दोस्तों यह मार्केट में कई ब्रांड नेम से उपस्थित है। दोस्तों, इसका प्रयोग मौसम के साथ होने वाली एलर्जी, जैसे नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना या छींक आना, या फिर दोस्तों किसी प्रकार की खुजली चलना या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं में इस टेबलेट को लिया जा सकता है। और दोस्तों, जैसे सर्दियों के मौसम में जुकाम रहता है किसी को या गले में इन्फेक्शन रहता है, तो भी यह टेबलेट बहुत फ़ायदेमंद है और इसका प्रयोग अस्थमा के रोकथाम में भी किया जाता है। दोस्तों, इस टेबलेट के कुछ खास दुष्प्रभाव तो नहीं देखे गए हैं, परंतु कभी कभी इसमें सिर दर्द, पेट दर्द, हल्की नींद या उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यह दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, मतलब यह इलाज के पूरा होते ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, सामान्यतः इसे रात में सोते समय लिया जाता है, परंतु अगर आपको ज़्यादा एलर्जी है तो डॉक्टर इसे दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इसे 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों को 5 mg दिया जा सकता है और 15 साल से ऊपर वालों को 10 mg तक दिया जा सकता है। दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए इसमें सिरप आती है जो उन्हें दी जा सकती है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी मोंटेलुकास्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।